अगर आपके पास इन छह चीजों की नॉलेज नहीं है तो, वरना आप भी 90% यूट्यूबर्स की तरह अपनी जिंदगी के एक दो साल बर्बाद कर लेंगे और एंड में कहेंगे कि यूट्यूब तो लक का गेम है। और इन छह पॉइंट्स में से लास्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपको सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बनाता बल्कि आपको एक रियल इन्फ्लुएंसर बनाता है। इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना आपका फेल होना तय है। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर वन से, जो कि है 2024 के शुरू होते ही आप लोगों ने एक रेजोल्यूशन तो बना ही लिया होगा कि इस साल मैं अपने चैनल पे इतने सब्सक्राइबर्स तो गेन करके रहूंगा ही रहूंगा, या फिर एक नया चैनल बनाऊंगा और उसे किसी भी हालत में मोनेटाइज करवाऊंगा। लेकिन एक महीना हो गया है और आपको कुछ भी ग्रोथ नहीं दिख रही है और आप ऑलरेडी गिव अप करने की हालत पे हो। इसका रीजन ये है कि आपको पता ही नहीं है कि YouTube का एल्गोरिथम वर्क कैसे कर रहा है। आप जानते ही नहीं हो कि YouTube आपसे चाहता क्या है और बस एक तरफा प्यार की तरह आप अपनी तरफ से एफर्ट डाले जा रहे हो और कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। YouTube एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि एड रेवेन्यू से अपनी मेन अर्निंग करता है, और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह YouTube को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है कि लोग उसके प्लेटफॉर्म पे बने रहे जितनी ज्यादा देर तक हो सकता है उतनी ज्यादा देर तक, तभी YouTube को फायदा होगा। और इसमें YouTube आपकी मदद चाहता है आपसे एक ऐसा कंटेंट बनवा के जिसको लोग ज्यादा देर तक देखे और YouTube पे बने रहे। लेकिन 90% यूट्यूबर्स इस बात को नहीं समझते हैं और इसलिए यूट्यूब उनका कंटेंट कभी भी ऑडियंस को सजेस्ट नहीं करता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने एक नया